तो हे गाइस, काफ़ी दिनों बाद अपन लोगों ने कम बैक करी यार। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुझे कम बैक नहीं किया था। और अब से यार आई प्रॉमिस मेरे भाई, हर बार तो ऐसे झूठ बोलता हूँ, झूठा ही हूँ। फिलहाल देखेंगे जरूर यार, सच कह रहा हूँ। इस बार मैं कहीं घूमने चले गया था और घूमने के चक्कर में मैंने वीडियो डालना भूल गया था। तो मुझे भाई ने चिल्लाया कि यार तू वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है, ऐसे करके। तो मैं आपसे आप लोगों के लिए पर डे और कंटिन्यू वीडियो डालूंगा भाई। तो पर डे और कंटिन्यूस भाई तो होती है। अबे हाँ, मैं थोड़ी सी चूतिया हूँ, कोई बात नहीं। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, अपन फाइट होने वाला है, 1-on-2 का आता हुआ दिखाई देगा और कौन कौन सी टीम पे हो रही। तो चलो मैं आप लोगों का जहाँ मैं घूमने गया था उसका इंट्रोडक्शन बता दूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन बता दूँ यार। तो फिलहाल अब क्या बताऊँ, मैं राउंड खत्म हो गया है, अब मैं गेम प्ले के बारे में बताऊँगा, ये अपना इंट्रोडक्शन बताने नहीं है। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, फाइट हो रहा है 4v4 का और मैच 1-0 पे आती हुई दिखाई देगी हमें। और आज टीम आई वर्सेस होने वाला है जो है फ्यूगो FF। वो भाई साहब, नाम सुनते ही दिल पे एकदम ये होने लगता है। तो फिलहाल देखेंगे जरूर मैंने किसका नाम पढ़ दिया। तो फिलहाल आज फाइट होगा 4v4 का है ये फाइट, और मैच भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। और पता नहीं किसकी तरफ से वॉल पे वॉल छोड़ी जा रही वो भाई। और देखती से राउंड कंप्लीट भाई, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अभी मजा आएगा ना। तो फाइनली भाई तीसरा राउंड आ चुका है यार, मतलब थर्ड राउंड आज तो वो दिखाई दे रहा है। और मैंने अभी तक आप लोगों को नेम नहीं बताया, तो यार भाई इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा भाई। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, आज टीम आई वर्सेस हो रहा है फ्यूगो FF, जो कि नेम सुनते ही ऐसा लगता है मतलब कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले के एकदम से लो हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्वाड जो है आज टीम आई से वर्सेस करने आई है। भाई साहब क्या ही बोले, और क्या ही चलाया जा रहा है अपोजिट के जो प्लेयर है, और प्राइम नॉक हो जाएंगे, बिल्कुल जैसा कहा था वैसा ही नॉक हो जाएंगे। और इस मैच पे भाई साहब कैरेक्टर स्किल कैरेक्टर जो वो ऑन रखा गया था, और सभी के सभी ने वुकोंग और क्या बोलते हैं सर कोरोनो लेके आए थे, वुकोंग और कोरोनो जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, फाइट 2-on-2 पे आएगा और भसड़ इतनी बेहतरीन मच रही कि भाई कोई भी टीम किसी से भी कम नहीं है, और सभी के सभी इतना रस करे जा रही कि भाई मैं तो किसी से कम नहीं है ऐसे करके। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, और क्रिमिनल भी आया इस राउंड पे। ओ भाई, दूसरे को डैमेज पड़ा और दूसरा नॉक हो गए। ओ भाई साहब कंप्लीट हो जाएंगे और 3-1 मतलब 3-0 की लीड आ जाएगी टीम आई के पास। तो लगातार 3 राउंड वापसी की थी टीम आई की स्क्वाड ने। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, और मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है मैं 4th राउंड जो कि बनेगा मील के अंदर, और क्या कमबैक करना चाहेगी हमें बिछड़ती हुई तो दिखाई दे रही है टीम। कौन सी टीम है? फ्यूगो FF की स्क्वाड। तो यार थोड़ी सी याद दस मेरी चली जाती है, तो उसके लिए थोड़ा समझा करो मेरे भाई। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, और एक प्लेयर को देखते सी AWM का फटका, और भाई साहब हेडशॉट डेजर्ट ईगल का किसने खाता खोला हो भाई साहब। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, तो टीम आई के एक प्लेयर को नॉक ले लिया गया भाई, घुसेंगे रस करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। और अब कमबैक करना चाहेगी लग रहा है, मुझे तो फिलहाल पूरा तो करना परेशान हो गए हम लोग भाई साहब से। भाई साहब क्या ही रोमांचक मैच चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ भाई साहब क्या ही है गो भाई, बैकअप पड़ेगा केशव का, और केशव रुके इतने रुकेंगे, और क्या ही बॉडी पे डैमेज दे जा रहे हैं और नीचे प्लेयर होंगे, और दो प्लेयर को नॉक कर चुके हैं, और फाइट आता हुआ दिखाई देगा हमें 2-on-2 का, और कोई भी टीम किसी से कम नहीं है। मेन बात इस मैच पे हुआ ये कि यार थोड़ी सी गलती हो गई थी कि इस मैच पे कैरेक्टर स्किल ऑन रख दिया गया था, और सभी प्लेयर ने कहा था कि यार कैरेक्टर स्किल ऑन रहेगा तो ऑन रखने को कहा गया था, इसलिए शायद से ऑन था, और अगर नहीं कहा गया था तो फिर नहीं होता। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, और एक प्लेयर और आए जो कि अकेले बचे, और अब भाई साहब क्या होने वाले, ये कर क्या रहे हैं। ओ भाई लेट के ले लिया ये तो, और कंप्लीट कर दिया, और 4-0 की लीड दिला दी अपनी स्क्वाड। तो इस मैच पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें गन जो दिखाई दे रही है वो तो लगातार ओम ही दिखाई दे रही है, और इस मैच पे थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। अब लोग जो है बहुत से ऐसे मैच पे देखे होंगे वेनम को, और वेनम अभी नहीं आ पा रहे हैं,
थोड़ी सी उनके भी तबीयत डाउन है यार, इसलिए नहीं आ पा रहे। तो फिलहाल टीम आई की तरफ से होने वाले प्राइम, सुशांत, केशव, आर्यन, मैंने नेम थोड़ी सी लेट से बताई और वही दूसरी और भसड़ मच चुकी है। अब भसड़ मच चुकी है और जोन भी सामने से आएगा और फाइट करने मजबूर कर दिया जाएगा भाई साहब। तो वही दूसरी ओर होने वाला है, वही दूसरी ओर होने वाले अगेंस्ट में होने वाले हैं फ्यूगो एफएफ की भी लड़ाई, तो देखेंगे जरूर क्या ही मैच चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और फसल मच जाएगी दोनों ही टीमों की तरफ से, भाई दो दो बंदे नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम की तरफ से और कोरोना लगा के घूम रहे थे और उनको ही हेडशॉट पड़े। भाई साहब क्या मैच चल रहा है भाई, मेरा तो माथा दर्द करने लग गया था। और फाइट 3-on-3 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ही मैच, क्या ही घमासानी होता हुआ दिखाई देगा। और रुके से नहीं रुकेगा मैच और जोन इतनी छोटी हो चुकी है सभी गया है सब लोग और कोरोना के अंदर घुसे हैं एक प्लेयर और आर्यन घुसे थे और देखेंगे जरूर कल फाइट 2-on-1 का क्या अकेले ले पाते हैं आर्यन और एक प्लेयर को देखते थे नॉक ले गया और अब अकेले बचे क्या 1-on-2 सिचुएशन पे ले पाते हैं और कंप्लीट कर देंगे और 4-1 की लीड आ जाएगी। कम बैक करेगी इस राउंड पे, कम बैक की है टीम फ्यूगो एफएफ की स्क्वाड ने। तो भाई साहब क्या चल रहा है और एक प्लेयर को देखती थी नॉक, भाई ये कहां से मार रहा है, कहां से क्या कर रहा है समझ भी नहीं आ रहा है। और दो दो प्लेयर इधर भी नॉक होते हुए दिखाई देंगे, रेड नंबर प्राइम का रुके से नहीं रुकेगा और कंप्लीट कर देंगे हेडशॉट से जब कोबरा MP40 हो साथ, तो डरने की क्या बात। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, अच्छी खासी मैंने डायलॉग मार ली थी यार थोड़ी बहुत, तो यार तालियां वालियां बजा दिए करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे भाई। अगर वीडियो पे नए हो हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इतने मेहनत करते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो डालते हैं। तो फिलहाल 2-on-1 का भाई पता ही नहीं चला कि राउंड कब खत्म हो गया और 4-2 किससे वापसी करेगी और कम बैक करना स्टार्ट कर दिया और अब अकेले सुशांत घुसेंगे और सुशांत के सामने 4-4 क्या ले पाते हैं और प्राइम इधर नॉक हो जाएंगे क्योंकि सभी प्लेयर एक साथ है भाई, इतने ज्यादा प्रोमो कौन यूज कर रहा है, इतनी ज्यादा कोरोना यूज कर जा रहे हैं। तो फिलहाल देखेंगे जरूर और फसल मचेगी एक ही जगह पे, फसल मच रहा है ये, तो फाइट ऐसा हो रहा है कि समझ भी नहीं आ रहा। और राज फ्यूगो भी इधर दो बंदे नॉक, अब अकेले बचे इधर भी कौन बचा, अकेले सुशांत अपने प्लेयर को हील कर रहा है, केशव को हील कर लिया जाएगा और आ गया ना और प्राइम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, अच्छे खासे भाई साहब क्या ही बेहतरीन चल रहा है फाइट। और सीजन 3 का बंदा आता हुआ दिखाई देगा आज मैच करने के लिए, हमें टीम आई से वर्सेस करने आएगी। तो फिर इन लोगों ने टीम आई को कहा था कि भाई टीम आई से वर्सेस, मतलब हमारी टीम से वर्सेस कर लो, तो फिर हमने कहा था अच्छी बात है यार भाई अपन लोग कर लेते हैं। तो मैसेज मैच किए अपन लोगों ने इनसे, तो फिर देखेंगे जरूर कि मैच कहाँ पे जाने वाला। और कंप्लीट तो हुआ नहीं और अब अकेले बचे कोई नहीं बचा और कंप्लीट हो जाएगी अच्छी खासी और क्या ही बेहतरीन तरीके से कम बैक कर रही है। और मैच 4-4 पे आ जाए तो फिर क्या ही बेहतरीन और मजा आ जाएगा क्योंकि बराबरी का टक्कर होगा और जब बराबरी का टक्कर हो तो भाई क्या बोलो यार, बराबरी का टक्कर पे जोन सी भी टीम जीतती है और एक राउंड उस तरफ घुसना मतलब कि क्या बोलूँगा उस तरफ ये होना, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर देखेंगे जरूर, फाइट अच्छी खासी चल रही और 4-on-4 पे आता हुआ दिखाई देगा मैच और मैच पॉइंट टेबल जो है वो 4-3 की लीड आएगी और केशव को डैमेज पड़ता हुआ दिखाई देगा, हेलमेट खोल दिया जाएगा UMP के साथ से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी की बिल्कुल भी कमी नहीं है दोनों ही टीमें के पास। और क्या ही शॉट कनेक्ट करेंगे और जोन पे शायद से डैमेज खा के एलिमिनेट हो जाएंगे और 3-3 बंदे ना भाई देखते से और अब अकेले बचे ब्लैक और ब्लैक के सामने होंगे 4-4 प्लेयर। ऐ भाई साहब कब कंप्लीट हो जाता है पता ही नहीं चलता है राउंड। और 4-3 मतलब कि 5-3 से वापसी करेगी फिर से टीम आएगी इस बार, थोड़ी सी हमें बिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी जो कि कम बैक करना स्टार्ट कर दिया और 5-3 की लीड आती हुई दिखाई देगी हमें टीम आई के पास। क्या इस लीड को आगे बढ़ा पाती है या फिर क्या इस लीड को अपने बराबरी पे ला पाती है, तो देखेंगे जरूर क्या ये मैच रोमांचक होने वाला है। तो आप लोग भी देखना मेरे भाई यार वीडियोस आप लोग डालते रहते हैं तो मैं देख लिया करो आप लोगों के भी वीडियो। और चैनल पे नए हो तो यार मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी जो है 1K सब्सक्राइबर गेन करने वाले हैं। तो यार 1K करा दो यार एकदम, आप सभी को दिल से धन्यवाद दूंगा यार भाई, 1K करा दो यार भाई प्लीज़ यार 1K करा दो। और देखते सीनों पर फाइट 3-on-3 पे आता हुआ दिखाई देगा हमें। भाई ये केशव कर क्या रहा है, केशव जब भी मतलब ये कर रहा है लेट की मार रहा है और किसी ने तो आलोक लेके आया, किसी ने क्रोनो लेके आया, किसी ने वूकोंग लेके आया, भाई साहब क्या चल रहा है। और किसी ने तो मैं सबसे बताऊँ इंटरेस्टिंग बात कि किसी ने तो है तो लेके आया था भाई, किसी ने है तो लेके आया था यार समझ भी नहीं यार। और जोन घेर लिया गया ब्लैक डाकू की तरफ से, तो देखेंगे जरूर खलनायक, ओ भाई खलनायक आया इस राउंड पे, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो कैसी लगी मेरी आवाज़ मुझे तो पता है भाई, कमेंट करके बता देना कि आप लोग बहुत खुश हो गए होगे यार, सही बता रहा हूँ मैं।
बहुत खुश हो गया और कह रहे हो भाई काश गाना और सुना दो। तो फिलहाल भाई साहब क्या ही फाइट चलता है वो दिखाई दे रहा है और ग्लोबल तो इतनी ज्यादा मतलब यूज किया जा रहा है और 6-3 हो गया यार। देखते सी राउंड ही कंप्लीट हो जा रहा है जब भी मतलब मैं ये कर रहा हूँ कमेंट्री कर रहा हूँ और क्या मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मैच यहीं पे खत्म होने वाला है क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग तो बहुत लंबे टाइम से किया था और 4-5 दिन तक मैंने गांव चले गया था इसलिए मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था मेरे भाई। तो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है तो उसको समझा करो यार क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसा एक नुबड़ा ही हूँ मतलब मेरे जैसा कोई नुबड़ा नहीं है, मैं आप लोगों जैसा नुबड़ा हूँ। ये बोला था ओ भाई ग्रेनेड, अरे यार ग्रेनेड कौन फेंकता है मेरे भाई ग्रेनेड, वो भी कस्टम रूम मैच पे ग्रेनेड फेंकना मना किया गया था ना यार। तो फिलहाल देखेंगे जरूर, अच्छे खासी तो फाइट चलती हुई दिखाई देगी हमें। लेकिन सच बताओ ग्रेनेड का यहाँ पे यूज़ करना बिल्कुल भी मना था और कस्टम अगर आप खेल रहे हो तो यार ग्रेनेड का यूज़ करोगे तो थोड़ी ना मजा आएगा भाई। और एक प्लेयर को देखते हुए एक्सपर्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा हमें, सुशांत नॉक होते हुए दिखाई दे और क्या फर्स्ट ब्लड आएगा राज फ्यूगो का और फ्यूगो की स्क्वाड काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेलती है, शायद से ये उनकी सेकेंड स्क्वाड होगी इसलिए थोड़ी सी ये हो रही क्योंकि फ्यूगो की स्क्वाड जब भी आती है वो 7-0 से ही हरा के जाती है भाई। तो पिछले बार की हमें याद है तो देखेंगे जरूर। अभी तक तो टीम आई की तरफ से एक प्लेयर को खो दिया गया और फाइट 3-on-4 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छी खासी लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है हमें, महासंग्राम चलता हुआ दिखाई देगा और एक प्लेयर को देखते थे ना। और देखेंगे जरूर कि फाइट कहाँ पे होने वाला है और अब भाई प्राइम वर्सेस क्रिमिनल, क्या क्रिमिनल ले पाते हैं, क्रिमिनल को ही ले लिया गया तो देखेंगे जरूर। वो भाई 3-on-3-on-2 मतलब कि 2-on-2 पे आता हुआ दिखाई दे रहा फाइट, मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा तो देखेंगे जरूर कहाँ पे जाएगा ये राउंड। अगर वो भाई 150 कितने शॉर्ट रेंज पे 150 पॉइंट मारता है यार और कंप्लीट कर देंगे और कंप्लीट भी हो जाएंगे और 7-3 से जीत जाएगी टीम आई की स्क्वाड। तो भाई MVP बनने की बारी आती है, 12 किल के साथ MVP बने रहे हैं केशव और केशव ने अच्छी खासी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, मैंने बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई। तो 7-3 से आज टीम आई की स्क्वाड जीत गई तो देखेंगे जरूर। और केशव ने 12 किल किए थे टीम आई की तरफ से और वही दूसरी ओर फ्यूगो ने 6 किल किए थे अपनी टीम की तरफ से। तो मिलते हैं दोस्तों कल के एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड